नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल SDXTech। दोस्तों आप भी इस तरह का थंबनेल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ सके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस टाइप की फ़ोटो क्लिक कर लेना है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद इसको पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस मैं पहले से क्रॉप कर रखा हूँ। तो आपको सबसे पहले कटआउट वाले टूल पे जाना है। फिर इस तरह से आपको इस पे घुमा लेना है पूरी फ़ोटो पे। दोस्तों मैं जल्दी से इस पे घुमा लेता हूँ, वीडियो पहले से लंबा हो चुका है। दोस्तों आप टाइम देके से इरेज कीजिए ताकि आपकी PNG अच्छे से कट हो जाए। दोस्तों मेरी PNG रेडी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों मैं पिक्सल ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो दोस्तों आपको इमेज साइज पे जाके क्लिक करना है। इसके बाद ये एरो दिख रहा है, इस पर जाके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यूट्यूब थंबनेल पे जाके क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों चौथे वाले बॉक्स पे जाके क्लिक करना है और आपको जो कलर अच्छा लगे वो बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं कर लिया हूँ। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऊपर दिखाए प्लस का आइकन पर जाके क्लिक करना है। उसके बाद गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले फ़ोटो कट की थी उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से रोटेट कर लेना है। दोस्तों आपके हिसाब से फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा आइकन, इस पर जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस फोटो को लॉक कर दे ताकि एडिट करते समय इस पर क्लिक भी हो तो हिल ना पाए। इसके बाद प्लस वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद टेस्ट पे जाके यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद ओके पे क्लिक करना है और इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इस शेडो पे चले जाना है, इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद ओके कर देना है। फिर से प्लस वाले आइकन पे जाना है, फिर से टेक्स्ट ले रहे हैं, फिर कुछ इस तरह लिख लेना है। लिखने के बाद ओके पे जाके क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों एडजस्ट करने के बाद कलर पे जाके कलर सेलेक्ट करना है, आपको जो अच्छा लगे हो। दोस्तों इसके बाद फॉन्ट में चले जाना है और जो आपको मनपसंद वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड डाल देता हूँ। दोस्तों आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद राइट वाल पे जाके क्लिक कर दें। इसके बाद फिर से टेक्स्ट लेना है। दोस्तों दोस्तों इसके बाद इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद दोस्तों इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर से दोस्तों आपको टेक्स्ट लेना है, फिर कुछ इस तरह से वो टाइप कर लेना है दोबारा।
टाइप करने के बाद दोस्तों ओके कर लेना है। ओके करने के बाद फिर से इसको इस टाइप और एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको कलर पे चले जाना है। कलर पे जाने के बाद आपको मनपसंद कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद एडजस्ट करना है, फिर फॉन्ट में चले जाना है। फॉन्ट में जाके आपको फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद शेडो ऑन कर देना है। शेडो में जाकर आपको मनपसंद कलर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इस तरह इसमें भी शेडो ऐड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं पीएनजी में भी शेडो ऐड करूंगा। ऊपर वाले आइकन पर जाके लॉक कैस्ट को अनलॉक करना है। फिर चौथे वाले ऑप्शन में जाके इस तरह के इस पर भी आप शेडो ऑन कर देंगे। शेडो ऑन करने के बाद कलर कोई सा भी चूज कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल रेडी हो चुका बन के। तो आप ऊपर वाला ऑप्शन जाके सेव कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको जैसा भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देता, साथ में बेल आइकन घंटी को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।